भारत के मुख्य लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को उस समय बड़ा झटका लगा जब आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया। आरसीबी से पत्ता कटने के बाद चहल ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल मैसेज लिखा है जिसमें उन्होंने फ्रेंचाइजी के साथ 8 साल के लंबे सफर को याद किया। उन्होंने साथ ही कहा कि अब वो शायद ही आईपीएल 2022 में खेल पाएंगे। चहल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 8 साल तक आरसीबी टीम का हिस्सा बनकर काफी अच्छा लगा, इसमें मेरी कई यादें हैं। इस दौरान मैं कई मील के पत्थर तक पहुंचा और सबसे जरूरी बात ये है कि इसने मुझे परिवार दिया है जो हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों में चाहता है। हम केवल खेल खेल सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम और मेरे प्यारे फैंस, मैं आपको याद करूंगा। मुझे प्यार करने और सपोर्ट करने के लिए फैंस का थैंक यू दूसरी तरफ मिलते हैं। चहल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए 113 मैचों में 22.03 की औसत से 139 विकेट चटकाए हैं। वो इस फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इसके बावजूद आरसीबी ने उन्हें इस बार रिटेन नहीं किया। बेंगलोर फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज को रिटेन किया है। चहल आरसीबी से पहले मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा थे। वो 2014 में विराट कोहली की टीम बेंगलोर से जुड़े थे और उसके बाद से वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत के सबसे प्रमुख गेंदबाज रहे हैं।